गाइस, आप जैसे कि इस मोटर को आप आसानी से देख पा रहे हो कि ये है हमारा एक टॉय मोटर। ये टॉय मोटर होता है काफी नॉर्मल, और अगर हम इस पर ज्यादा लोड देते हैं तो इसकी जो शाफ्ट होती है वो जल जाती है, फूक जाती है, खराब हो जाती है, इसका आर्मेचर भी खराब हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास आ चुका है एक ऐसा टॉय मोटर जिसे शायद आपने कभी देखा भी होगा या नहीं देखा होगा, वो तो मुझे नहीं पता है। वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अनबॉक्सिंग करके आज मैं दिखाने वाला हूँ, चलो शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, सबसे पहले हम बात करें इस टॉय मोटर की। टॉय मोटर देख लो कितना छोटा है, इतना छोटा है। और इस पर कौन से प्रोपेलर लगते हैं? एक तो ये छोटा वाला प्रोपेलर लग जाता है, दूसरे पर हमारा आता है इतने बड़े वाले। लेकिन हमारे पास जो आज टॉय मोटर है वो सबसे अलग है। क्यों मैं बोल रहा, चलो लेकर के आते हैं। ये है हमारे पास कुछ टॉय मोटर्स जो देखने में भी अलग है और आपको समझने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो भाई मैं मोटर की आपको एक एक डिटेल इस वीडियो पर देने वाला हूँ। देखो सबसे पहले बात करें तो ये हमारा कितने वोल्ट से कितने वोल्ट पर रन करता है, तो वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखो ये डीसी 1.5 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट 6 वोल्ट हाई स्पीड पर ये काम करता है। अब ये रियल में ये काम करता है या नहीं करता है वो तो मुझे नहीं पता, मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं एक मोटर को भी यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो तो 5 है, लेकिन इसकी जो साइज है वो काफी छोटी है। मैं आपको दोनों मोटर को साथ में दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसके हिसाब से देखा जाए तो काफी छोटा है, पर इस पर एक हमें फंक्शन यह देखने को अच्छा मिल गया है कि यहाँ पर जो ये ओपन एरिया है इसे ये मोटर गर्म नहीं होगा, काफी हल्का होगा और यहाँ से ये गर्म भी नहीं होगा। और इसे देखो यहाँ पर ये कॉपर शाफ्ट यहाँ पर दिए गए हैं जिससे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको भी इसे कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा। अब चलो सबसे पहले इसे हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि आखिरकार ये कितने वोल्टेज पर ये काम करेगा। इस मोटर को सबसे पहले ऑपरेट करने के लिए हम यहाँ पर 1.5 वोल्ट की बैटरी को यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग पर लिखा हुआ है कि ये 1.5 वोल्ट पर ये अच्छी तरह से काम करता है। चलो सबसे पहले इसकी जो बैटरी की जो वोल्टेज है उसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर 1.5 वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, देखो समथिंग दिखाया था 1.2 वोल्टेज के करीब ही है। चलो दूसरे वाली बैटरी को चेक कर लेते हैं, अगर दूसरी वाली बैटरी अगर इसे थोड़ी चार्ज मिलेगी तो हम उससे चेक कर लेंगे। ये देख तो लगभग देखा जाए तो ये भी 1.2 के करीब यहाँ पर जो बैटरी है वो चार्ज है। तो चलो अब हम इसे यहाँ ऑपरेट करके देखते हैं। सबसे पहले छोटे प्रोपेलर को लगा करके इस पर टेस्ट करेंगे। चलो गाइस, सबसे पहले इसे थोड़ा कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर मैं वायर को इस पर एक वायर कनेक्ट कर देना पड़ेगा जिससे मैं इसकी जो वोल्टेज है या इसकी जो टेस्टिंग है वो मैं दिखा सकूँ। यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देते हैं। देखो सोल्डर नहीं कर रहे क्योंकि कोई प्रोजेक्ट तो हम अभी बना नहीं रहे, अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर सोल्डर कर लेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर टेस्ट करना है, तो टेस्ट के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो मैंने इसे कनेक्ट तो कर दिया है, अब इसे चेक करना है। मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये मैंने लगाया। अब यहाँ पर एक इस पर टच करेंगे और दूसरे वाले से डायरेक्ट मोटर की वायर पर टच करेंगे। ये देखो ये कपड़ा है, और ये अगर थोड़ा सा भी हिलता है तो समझ लो कि ये परफेक्ट काम करता है। चलो मैं यहाँ पर इसे टच कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अच्छी तरह से हिल तो रहा है। देखो यहाँ पर आप देखना, ये अच्छी तरह से हिल रहा है, देखो कोई फेक नहीं है। ये 1.5 वोल्ट पर भी इतना हवा ये दे रहा है कि अच्छी तरह से ये हिल रहा है, देखो परफेक्ट काम कर रहा है। ये देखो, यानी कि जैसा कंपनी ये बता रहा है कि 1.5 वोल्ट पर ये काम करता है तो 100% ये काम करता ही है। अब चलो इसे 3.7 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करके देखते हैं उस पर ये कितना एयर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये है हमारे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी जिससे मैं पावर बैंक बना करके यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं टच तो कर रहा हूँ और ये देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी जो रोटेशन है वो काफ़ी तेज है। देखो आपने भी यहाँ पर देखा, ये खुल करके ये पास कर गया, जो प्रोपेलर है वो इसे खुल चुका है। और अगर मोटर की मैं बात करूँ तो अभी ये थोड़ा सा ही चला था और ये हिट भी होने लगा है। अब ये 3.7 वोल्ट से भी ये काम कर रहा है, तो ये हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी जबकि ये 6 वोल्ट पर ये काम करता है। 9 वोल्ट की बैटरी से भी हम यहाँ पर ऑपरेट करके देखते हैं कि 9 वोल्ट पर ये क्या होता है, ये ख़राब हो जाएगा या क्या होगा। इसलिए मैंने इतने सारे बैटरी से मैंने परचेस किया था और मोटर को भी मैंने लिया था। यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं, ये देखो 9.4 वोल्टेज है जो कि ये बैटरी चार्ज है। अब चलो इससे टच करके देखते हैं, अगर ये ख़राब होता है तो आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैं आपको कन्फर्म बता दूंगा।
लगभग अगर देखा जाए तो 9 वोल्ट की बैटरी से भी आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। चलो मैं आपको इसका जो एम्पियर है ये कितना लोड ले रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखना है इसका जो एम्पियर है वो कितना ज़्यादा इस पर चल रहा है, ये देखो लगभग 0.15 एम्पियर के आसपास ये चल रहा है और ये काफ़ी हीट भी हो रहा है। चलो मैं फिर से थोड़ी देर के लिए ही चलाऊंगा, आप यहाँ पर देखो इसे 0.5 एम्पियर ये लेता है और अच्छा खासा इस पर देखा जाए तो लोड ये ले ले रहा है। अब कितना देर ये चलेगा कितना देर नहीं चलेगा वो तो आपको मोटर पर डिपेंड करना पड़ेगा कि मोटर आपकी जितनी हाई क्वालिटी की होगी उसके हिसाब से ये चलता है। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसकी वोल्टेज जब ड्रॉप होती है तो वो कितनी ज़्यादा ड्रॉप होती है। अभी जो वोल्टेज है वो देख सकते हो 9.14 है। अब इसे डायरेक्ट चलाते हुए इसकी वोल्टेज जो है उसे हम देखेंगे कि इसकी वोल्टेज हमारी कितनी आ रही है। ये देखो लगभग देखा जाए तो ये 3 वोल्ट ये पूरा ले लेता है क्योंकि ये 9 वोल्ट से चलता है। देखो मैं आपको यहाँ टच कर देखो, ये मैं लगभग देखा जाए तो 9 वोल्ट में दे रहा हूँ इनपुट और जब ये चालू होता है तो चालू होने के वक्त पर ये लगभग देखा जाए तो 3 वोल्ट ये पूरा ले लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये अच्छे खासे देखा जाए तो ये मोटर का लोड है। अब ये कितना प्रोपेलर ये कितना लोड लेता है, प्रोपेलर के हिसाब से ये कितना एम्पियर लेगा वो तो मुझे नहीं पता, आप टेस्टिंग के हिसाब से समझ चुके हो। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस मोटर से आप क्या बनवाना चाहते हो ये मुझे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। ये देखो 9 वोल्ट का है लेकिन 3 वोल्ट यहाँ पर अप्रोक्स ये ले ले रहा है और ये डिक्रीजिंग भी काफ़ी जल्दी करता है क्योंकि यहाँ पर मैं 9 वोल्ट की बैटरी को यूज कर रहा हूँ। 5 वोल्ट पर ये अच्छी तरह से काम कर रहा है, 9 वोल्ट पर भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। आप चाहो तो इसे 12 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हो लेकिन ये जब उतना ये लोड नहीं लेगा ये तुरंत से फूक जाएगा। देख सकते हो काफ़ी छोटा है, इतना छोटा है देख सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।